अब इथन ने फ्यूचर में आकर देखा कि हमारी दुनिया फिर से हरी भरी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है। इंसान अपनी ही गलती के कारण मारे गए। लेकिन जब फ्यूचर में इंसान नहीं है तो पास्ट में उन्हें फ्यूचर से वो मैसेज किसने भेजा था, जिसके बाद उसे थोड़ा और आगे जाने पर एक कंकाल मिलता है जिसके पास भी उसी की तरह एक ब्रेसलेट था। लेकिन जब वो उसके डिवाइस को उठाकर लास्ट रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसमें उसे मारने वाले की आवाज थी, लेकिन फिर वो डिवाइस बंद हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है। पर रात को यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, इसलिए वो अपने आधुनिक डिवाइस से आग जलाने का तरीका पूछता है, जिसके बाद वो उसे आग जलाने का तरीका बताता है। और कुछ देर मेहनत करने के बाद वो अंत में आग जला लेता है। पर अब उसे भूख लग जाती है, इसलिए वो कुछ बेर लेकर उसे अपने डिवाइस से स्कैन करता है, लेकिन उसे ऐसी खाने की कोई चीज नहीं मिल पाती है। पर अंत में वो उसे खा लेता है, जिसका टेस्ट काफी ज्यादा कड़वा होता है। लेकिन फिर अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो ऐसी हालत में देखता है कि कोई आदमी उसकी ओर आ रहा था। पर वो उसे देख पाता उससे पहले वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो उठता है तो वो उससे डरकर पीछे हटने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पार्ट 4 के लिए लाइक और कमेंट।